हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बनाएंगे मटर की कचौड़ी। तो मटर की कचौड़ी बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लगते हैं देख लेते हैं। आइए, ये हमने लिया है गेहूं का आटा, ये हमने लिया है मैदा, ये हमने लिया है थोड़ी सी सूजी, और ये हमने हरी धनिया, ये अजवाइन, और ये हमने मटर का पेस्ट बनाया हुआ है पहले से, और ये थोड़ा सा रिफाइंड, और ये खाने के लिए सोडा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं मटर की कचौड़ी। तो सबसे पहले हम इसमें आटा ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें मैदा 2 चम्मच ऐड करेंगे, फिर इसमें सूजी डालेंगे 1 चम्मच, फिर हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके डालेंगे, फिर हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। हम इसमें बेकिंग सोडा 1-2 पिंच ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं। फिर हम इसमें 2-3 चम्मच रिफाइंड डालेंगे, फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम इसमें बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि हम इसमें इसके पूरे में पहले से ही नमक डाले हुए हैं। फिर हम इसमें धनिया डाल के इसको अच्छे से मिला देंगे। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से गूंद लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालेंगे और इसको अच्छे से हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। इसको हम हल्का हल्का ऑयल लगा कर अच्छे से एकदम गूंथेंगे। तो गाइस, हमने एकदम सॉफ्ट आटा गूंथ लिया है। इसको हम 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। फिर इसमें हम छोटे छोटे लोइयां बनाएंगे। तो फिर अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे गाइस। देखिए गाइस, कुछ इस तरह लोई बनाइए आप छोटी छोटी। देखिए, हम इसको छोटे छोटे लोइयां बनाएंगे, फिर इसमें हम इस मटर के बैगर को भर देंगे। बस आप ध्यान दीजिए कहीं से आपका लोई फटे ना, नहीं तो कुछ इस तरह से लोई बना लीजिए आप। देखिए गाइस, हम इसको अच्छे से इस साइड से भी और इस साइड से देख लीजिए, कहीं से खुला हुआ नहीं है ये। अब हम लोई के ऊपर हल्का हल्का तेल लगाकर इसको हम हाथ से ही दबाएंगे, बेलना से नहीं। कुछ इस तरह हम छोटी छोटी पुड़िया बनाएंगे अपनी कचौड़ी। कुछ इस तरह हम हल्का हल्का इसको दबा देंगे। देखिए कुछ इस तरह से, बस इतनी छोटी छोटी बनाइए। देखिए गाइस, हमने पैन में तेल डाल के रख दिया है गर्म होने के लिए। ये मेरा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें आपको तल के दिखाएंगे। एकदम लो फ्लेम पे आप इसको तलिए। एक तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप दूसरे तरह से पलट दीजिए। इसको हम चलाते रहेंगे। एक साइड से गैस हो गया तो हम इसको पलट दिए हैं, और दूसरी साइड भी इसको अच्छे से सेक लेंगे हम। तो गाइस, हमारा कचौड़ी लगभग लगा क्या पूरी तरीके से तैयार है। हम इसको अच्छे से निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारी कचौड़ी जो बाकी है वो उसको भी तल लेंगे हम। तो गाइस, लीजिए हमारा कचौड़ी तैयार है। गर्मा गर्म चटनी के साथ खाइए और बताइए कैसा, और कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा बना है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और देखिए हम आपको तोड़ के दिखाते हैं कचौड़ी मेरा कितना क्रंची बना हुआ है। Thank you.